हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम पटना यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ इस यूनिवर्सिटी ने शेयर करा है, सारी डिटेल में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देखने मिलेगा कि किस तरीके से आपको पटना यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, किस तरीके से सारा प्रोसीजर होने वाला है, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। तो आपके हर एक डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आपको एंड तक वीडियो देखना है और फिर आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, आपके जो भी क्वेरीज होते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसी के साथ साथ मैं जल्दी से आपको बता दूं कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी के लिए पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है आपका, वो होता है पेपर वन में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जर्नल एप्टीट्यूड, ये सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कॉमन होता है। ठीक है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जर्नल एप्टीट्यूड, जर्नल एप्टीट्यूड क्या होते हैं, जो मैथमेटिक्स रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इस तरीके से आपको मैथ्स से रिलेटेड बेसिक जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम यहाँ पर आपको टोटल ये जो होता है पेपर वन आपका 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, टोटल पेपर वन आपका होता है 100 मार्क्स का, जिसमें हम यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि थियोरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स होते हैं। देन नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो आपके इंटरव्यू में भी काफ़ी मदद करते हैं, आपके बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे नोट्स हैं। देन उसके बाद मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ, जिसमें हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रखा है। तो ये जो सारा कंटेंट है आपको, इसमें हम आपको पासिंग गारंटी के साथ ये कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी हम आपको ये जो कंटेंट होता है उसके साथ साथ हम आपको गाइड करते हैं और हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक तो मार्क्स स्कोर कर सको आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जिससे कि आपको इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आप सिलेक्ट हो पाओगे। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट काफी कम प्राइस में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको कंटेंट को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। अब चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम, और जो आपकी नोटिफिकेशन है उसके तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पटना यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसको नैक की तरफ से B+ ग्रेड मिला है, और काफी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हो तो आपकी डिग्री को काफी वैल्यू होती है। देन यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, इस वेबसाइट पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने मिलता है, पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2022 लिंक। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करने के लिए 28th of Jan 2023, एंड आपका जो टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा 25th of Feb। ठीक है, यानी आपके पास मोर देन मंथ रिमेनिंग है एग्जामिनेशन के लिए, आपको प्रिपरेशन करने के लिए। देन इसके बाद यहाँ पर उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है, यानी आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55%, कम से कम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, आपके मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, एंड अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5% का रिलैक्सेशन, यानी 50% आपके मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर्स डिग्री में। देन उसके बाद इन इन सब्जेक्ट्स में यहाँ पर आप पीएचडी कर सकते हो, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बता रखा है, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, जैसे जिसमें सारे लैंग्वेजेस आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सॉरी मैथी, अरेबिक, ठीक है, उर्दू, म्यूजिक। देन उसके बाद यहाँ पर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, देन फैकल्टी ऑफ साइंस में आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह, उसके बाद कॉमर्स, लॉ, एजुकेशन, तो इन सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पर आप पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ एडमिट कार्ड है, जो उसकी जो डेट है आपको बताया जाएगा। ठीक है, कब बताया जाएगा, जब आपका एग्जामिनेशन करीब आता है तब आपको बताया जाता है किस तरीके से एडमिट कार्ड वगैरह आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, अभी फर्स्ट फिलहाल आपको एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको किस तरीके से फिलअप करना है, तो उसके लिए आपको आपका मोबाइल नंबर पहले रजिस्टर करना होता है। ठीक है, देन उसके बाद आपको प्रिंट लेना होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर उन्होंने बता रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर इस ऑप्शन पर आई हियर बाय अफर्म दैट आई रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर उन्होंने जितने इंस्ट्रक्शंस बता रखी है वो आपने रीड करा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, एंड देन आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे
आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है एंड देन सेंड ओटीपी करना है, जिससे कि ओटीपी आपके नंबर पर सेंड हो जाएगा। एंड देन उसके बाद अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होता है, आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, नेम, एड्रेस वगैरह, और आप किस सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स डिग्री करी है, और आपको आपका सब्जेक्ट चूज करना होता है, और आपको फीस सबमिट करनी होती है। बस ये कॉमन जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए, वही आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन हम बैक करते हैं फिर से। फिर से बैक करने के बाद आपने ये सारी चीजें रीड कर लिया, फॉर्म फिलअप कर लिया, उससे पहले हम क्या देखेंगे, इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। पहले इंस्ट्रक्शंस में आपको सारी डिटेल में इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन वगैरह होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बता रखा है 6 जनवरी से, यानी 6 जैन से आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट है जैसे कि मैंने आपको बताया 28th of Jan। ठीक है, 25th of Jan को आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। एलिजिबिलिटी भी बता दी आपको। ठीक है, सो टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन फॉलोइंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, इन इन सब्जेक्ट्स में आप PhD कर सकते हो। देन यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया मास्टर्स डिग्री में आपके 55% होने चाहिए फॉर एडमिशन टेस्ट। ठीक है, यानी आपके मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और उसमें 55% होना चाहिए। आप किसी कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो वहां पर आपके 50 होने चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट मैंने बता रखा है, एग्जेम्पशंस फ्रॉम द रिटन टेस्ट। यानी आपका जो पैट होता है PhD एडमिशन टेस्ट और PhD एंट्रेंस टेस्ट, तो उसमें वहां पर आपका याद रखिएगा, अगर आपने UGC नेट, CSIR नेट, गेट, ये सारे एग्जाम विथ आपकी अगर फेलोशिप है, आपकी स्कॉलरशिप थी, तभी आप यहाँ पर एग्जाम जज कैटेगरी में बिलोंग करोगे। ठीक है, उसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह यहाँ पर, और जिनके पास टीचर फेलोशिप है, वह यहाँ पर क्या होंगे, ये भी एग्जाम जज कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट एक सेंटेंस लिखा है, टीचर्स अपॉइंटेड इन सेल्फ फाइनेंस कोर्सेस, ऐसे टीचर जिन्होंने सेल्फ फाइनेंस खुद से ही अपने कोर्स का उन्होंने सारा फाइनेंस उठाया, सारा खर्च उन्होंने अपनी स्टडी का उठाया, तो वो यहाँ पर एग्जेम्पशन कैटेगरी में नहीं बिलोंग करेंगे फ्रॉम दी पैट, यानी PhD एडमिशन टेस्ट। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप नीचे प्रोसीजर बता रखा है आपके पैट एग्जामिनेशन का, जिसमें देखिए आपका एंट्रेंस टेस्ट जो होगा ये रिटन टेस्ट जो होगा 100 मार्क्स का होगा ईच, यानी दोनों पार्ट्स आपके पेपर वन पेपर टू 100 मार्क्स के होंगे। पेपर वन जैसे कि मैंने आपको बताया जनरल एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पर आपका पेपर वन होगा, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पेपर टू जो है ये आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखना है इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आपको वेटेज देखना है कि किस तरीके से आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए 55% आपको पैट एग्जामिनेशन में लाना ही है, यानी 200 मार्क्स का टोटल पेपर है तो आपको 100 मार्क्स स्कोर करना ही है। एंड रिजर्व कैटेगरी यानी जो SC ST कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं उनके लिए 45% मार्क्स होने चाहिए पैट एग्जामिनेशन में। देन उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बता रखा है इंटरव्यू के बेसिस पर उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देन पेपर वन जो है मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे, 1 आवर का आपका ड्यूरेशन दिया जाएगा एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, OMR शीट आपको प्रोवाइड करी जाएगी। देन उसके बाद पेपर टू होगा सब्जेक्टिव टाइप, जो कि 2 आवर्स का होगा। ठीक है, पेपर वन आपका 1 आवर का होगा, पेपर टू आपका 2 आवर्स का होगा। सो पेपर टू में कुछ इस तरीके से ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ठीक है, ग्रुप ए 30 मार्क्स का होगा, ग्रुप बी 40 एंड ग्रुप सी जो है वो 30 मार्क्स का। ग्रुप ए में जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे। ठीक है, देन ग्रुप बी में आपके 7 क्वेश्चंस होंगे एंड ग्रुप सी में टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो आंसर है यहाँ पर इन्होंने बताया है 150 वर्ड्स में ग्रुप ए में आपको आंसर करना है, ग्रुप बी में 200 वर्ड्स में एंड ग्रुप सी में जो आप आंसर करोगे वो 500 वर्ड्स के तक होना चाहिए आपके आंसर्स। ठीक है, देन उसके बाद इन्होंने जैसे कि मैंने आपके साथ बताया डेट जो है 25th of Feb के दिन आपका एग्जामिनेशन होगा। पेपर वन ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर टू आपका सब्जेक्टिव होगा, 1 आवर और 2 आवर्स का आपका ड्यूरेशन। तो जैसे कि हमने देखा आपको, मैंने आपको अच्छी तरीके से पेपर वन पेपर टू का ड्यूरेशन मार्क्स सब कुछ बता रखा है,
पेपर वन आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पर बेस्ड होगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पर आपको एक बार ही बता दूं, फिर से मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि हम आपको रिसर्च मेथडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं विद मिनिमम प्राइस एंड विद 100% पासिंग मार्क्स गारंटी। यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देंगे कि आप पासिंग मार्क्स तक एटलीस्ट मार्क्स स्कोर कर सको, जिसमें यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स हमारे देखने मिलते हैं जो कि थियोरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स है। जर्नल एप्टीट्यूड एंड रिसर्च मेथडोलॉजी दोनों आपको दोनों यूनिट्स पर हमारे लेक्चर्स देखने मिलेंगे। देन उसके बाद आपको नोट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, उसी तरीके से मॉक टेस्ट देखने मिलेंगे, 10 मॉक टेस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी पर, 10 मॉक टेस्ट जर्नल एप्टीट्यूड पर आपको देखना मिलेगा, एंड देन रिविजन पीडीएफ आपको 1500 प्लस रिसर्च मेथोडोलॉजी और उसी तरीके से जर्नल एप्टीट्यूड पर अलग से 1500। तो इस तरीके से हम आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं विद 100% पासिंग गारंटी। तो जल्द से जल्द हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपके प्रेपरेशन का, सारी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्रिपेयर करवाने की हम लेते हैं, तो जल्द से जल्द आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है। तो चलिए, जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी रह गई है, बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रह गई है। सो यहाँ तक कि हमने पैटर्न देख लिया, आपका ड्यूरेशन देख लिया, एग्जामिनेशन का मार्क्स देख लिया, देन उसके बाद हम नीचे आते हैं। रिजल्ट जो है, ऑब्वियसली जब आपका जो है एग्जामिनेशन से जो भी आपका पैट एग्जामिनेशन होगा, उसका 3 ईयर्स आपका डिक्लेरेशन जो है वैलिड होगा। ठीक है, 3 साल तक आपका जो रिजल्ट होगा या फिर आप जो पास करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो उसकी वैलिडिटी होगी। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पर आते हो तो सिलेबस बता रखा है उन्होंने पेपर वन के लिए। ठीक है, पेपर वन के लिए जिसमें जर्नल एप्टीट्यूड है एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसे रिसर्च मेथडोलॉजी भी हम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको 100 मार्क्स होता है, यानी एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए दिया जाएगा। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चंस फॉर टोटल 100 मार्क्स। ठीक है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 1 आवर का आपका ड्यूरेशन होगा। देन नीचे आपको आना है, यहाँ पर उन्होंने रिसर्च एप्टीट्यूड का यहाँ पर आपके साथ सिलेबस शेयर कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो मेथड्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च प्रपोजल, सिनॉप्सिस, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आप किस तरीके से आपको डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हो, कि क्वालिटेटिव डेटा ले रहे हो, क्वांटिटेटिव डेटा ले रहे हो। ठीक है, जो उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो आईसीटी में आपके रिसर्च का क्या रोल वगैरह होता है, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने सारा आपको यहाँ पर सिलेबस शेयर कर रखा है। और पेपर टू के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पेपर टू के लिए आपको आपके पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस, ठीक है, यानी पटना यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएशन के आपके जो, और पोस्ट डिग्री के यानी मास्टर्स लेवल का आपने जो भी स्टडी कर रखा है वही आपको फॉलो करना है। जो भी मास्टर्स डिग्री में आपके स्टडी करते हो उसी से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है, सब कुछ शेयर कर दिया है कि आपका पीएचडी एडमिशन टेस्ट का किस तरीके से पैटर्न होगा, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, फॉर्म किस तरीके से आपको फिलअप करना है, इम्पोर्टेंट डेट जो है सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आपके जो भी, फिर भी अगर आपको डाउट्स होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। और हर एक चीज की लिंक जो है, जैसे कि इस प्रॉस्पेक्टस की लिंक, ठीक है, ये वाले एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक, इंस्ट्रक्शंस की लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक, सारी चीजों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड कर दूं, क्योंकि आपका एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर ही आपका जो पैट एग्जामिनेशन है उसी के बेसिस पर आपका पटना यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगा। तो आपको जिस तरीके से मैंने आपको बताया रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च एप्टीट्यूड और जर्नल एप्टीट्यूड, यहाँ पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं विद मिनिमम प्राइस और विद 100% पासिंग गारंटी। तो जल्द से जल्द हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक हम आपको कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रखते हैं। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।